देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को मॉरल अधिकार कोई नहीं है इन सारी चीजों का। चिट्ठों पर भर्ती करते रहे सारी जिंदगी भर, 50 साल सत्ता में रहने की, और हमारे यहाँ पर जैसे ही इस प्रकार की बात आई हमने उसकी निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नीर चौक मंडी गिविंग नंबर ऑफ सिलेक्शन इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स। अपने कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में चिट से भर्ती करवाने वाली पार्टी और उनके नेताओं को मौजूदा समय में हुई पुलिस भर्ती की गड़बड़ी पर कोई सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदेश की मौजूदा सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भर्ती में हुए घोटाले की जांच को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को सौंपा है। इसके साथ ही पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच जारी है, जिसमें अभी तक कई आरोपियों की गिरफ्तारियां की गई है। यह जानकारी सीएम जयराम ठाकुर ने शनिवार को सराज के बाली चौकी में पत्रकारों के सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए जवाब दिया कि कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में चीटों से भर्ती की और आज भाजपा पर पुलिस भर्ती पर सवाल उठा रही है। हमने बोल दिया है, सुबह बोल दिया है, हम इतना ही कहना चाह रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं किया जा सकता है। जैसे हमको सूचना मिली FIR दर्ज की, SIT कॉन्स्टिट्यूट की, SIT कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद सबसे पहले जो रिटर्न टेस्ट जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का हुआ था उसको रद्द किया, ताकि नए सिरे से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ वो प्रक्रिया पूरी हो सके भर्ती की। और उसके बाद SIT ने दर्जनों लोगों की, 70 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारियां अभी तक कर ली है। और उसके बाद जब मांग आई कि भी इसकी CBI से जांच करानी चाहिए, तो हम भी इस बात से काफ़ी हद तक कन्विंस हुए, क्योंकि पुलिस महकमे द्वारा पुलिस की भर्ती की जा रही है और पुलिस महकमा ही उसकी इंक्वायरी करे, ये बहुत ज़्यादा अच्छा संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस पर हमको भरोसा है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन और एजेंसी से करानी चाहिए। तो हमने CBI को सुपुर्द किया केस। इसके बाद और क्या किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को मॉरल अधिकार कोई नहीं है इन सारी चीजों का। चिट्ठों पर भर्ती करते रहे सारी जिंदगी भर, 50 साल सत्ता में रहने की, और हमारे यहाँ पर जैसे ही इस प्रकार की बात आई हमने उसकी निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। और पूरे देश की सबसे हाईएस्ट एजेंसी, जो सबसे बड़ी एजेंसी जो है केंद्र की एजेंसी, उसके माध्यम से हमने जांच करने के आदेश दिए। इसके बाद क्या किया जा सकता है? फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।